हम इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए बनाएंगे मसाला मटर, क्वार्टर कप ऑयल, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, बेहतरीन तेल, ठीक है। इसमें मैं डाल रही हूँ तेल के साथ थोड़ा सा पानी, क्वार्टर कप, और जाएंगे सारे मसाले, नमक 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, डेढ़ टी स्पून आपने चिली पाउडर डाल दिया, आप दो भी डाल सकते हैं। हल्दी 1/2 टी स्पून, लाल प्याज 3 टेबल स्पून पिसी हुई, टमाटर डाल दीजिए, अच्छा टमाटर इसमें जाएंगे पिसे हुए ब्लेंड किए हुए 2। अस्सलाम वालेकुम ज़ोरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसी हैं आप? आपको क्या वही नाजिल हो गई कि मैं आपको 2 दिन से याद कर रही हूँ? ये तो मेरी किस्मत है, अच्छी है पापा, नहीं आप याद करती हैं मुझे। वो चाहिए जो आप मुझे देती हैं ना, वो मेरा ख़त्म हो गया है। ओके आपा, मैं दे जाऊंगी। अच्छा आपा, मुझे ये पूछना था, जो आपने चिकन जिंजर बनाया है, हाँ, तो उसको हड्डी वाली चिकन से बना, बिल्कुल बना लें, बना लें, बिल्कुल बना लें। एक काम करिएगा कि जितने मैंने मसाले इसमें डाले ना, उससे आप आधा आधा चम्मच भर के और डालिएगा। जी जी, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बना, ठीक है। और आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का बहुत शुक्र, चले बहुत आपको दे जाऊंगी। ओके ओके, बहुत शुक्र। बस थकान बहुत है, मैं जब सुबह आई हूँ इधर तो मैंने अपने डायरेक्टर साहब से आके कहा, सालिक प्लीज़ मुझे 8 दिन की छुट्टी दिलवा दो। कह रहे क्यों आपा, कहाँ जाना है आपको? मैंने कहा सोना है, सिर्फ सोने के लिए, बहुत थकान हो गई है। अच्छा ये देखें मसाला, ये देखा आपने कितना अच्छा भून गया है। अच्छा इसमें जाता नहीं है, लेकिन आपको पता है मैं कोई चीज़ ज़ाया नहीं करूँगी, मेरे घर जाएगी ये बची हुई दही और फेंक जाएगी। तो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दही डाल दें, अच्छा टेस्ट आता है, कोई ख़राब नहीं होता, कोई बहुत अच्छा आता है, ठीक है। ये आपने डाल दिया, फिर हम एक पैकेट डालेंगे फ्रेश ट्रीट के बेहतरीन। अभी मैं इसको खोलती हूँ, आप इसका कलर देखें। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं जानू, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र आपा, ठीक ठाक। आपा आपने अभी जो जिंजर चिकन में आपने वो डाला था दूध, वो आपने किस स्टेज पर डाला था? वो मुझे बिल्कुल बिल्कुल आखिर में उतारने से 5 मिनट पहले। कितना डाला आपा दूध? क्वार्टर कप, नहीं क्वार्टर कप, 4 से 5 टेबल स्पून। जी और क्या डाला आपा आपने उसमें? दही के अलावा? दही डाला था और आपने पुदीना भी डाला था। पुदीना कितना था आपा, एक बंच? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्वार्टर बंच। ओके ओके, थैंक यू सो मच आपा। और आपा आपकी नहीं, आप ना थोड़ा सा प्लीज ये जो आप ये मटर मसाला बना रही है थोड़ा सा रिपीट कर देंगे? ओके ओके, अभी कर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा देखें मैंने क्वार्टर कप दूध, एक मिनट में ये डाल, ये देखें कलर देखें फ्रेश पीस के मटर के, वाओ देखा आपने। अच्छा मैंने क्या किया मसाला मटर के लिए, मैंने क्वार्टर कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल लिया, उसमें मैंने डाल दिया सब में पहले क्वार्टर कप पानी और सारे मसाले जो लिखे हुए हैं, क्या क्या हैं,
एक चाय का चम्मच नमक, डेढ़ चाय का, डेढ़ से दो टीस्पून आपने डाल दिया लाल मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून आपने डाल दी हल्दी, ठीक है। और आपने इसको अच्छी तरह भूना, भूनने के बाद आपने इसमें दो टमाटर ब्लेंड करके डालने हैं ब्लेंडर में, वो हमने डाल दिए। लाल प्याज डाल दी मैंने 3 से 4 टेबलस्पून, मेरे पास यहाँ दही बची हुई थी 2 से 3 टेबलस्पून, वो ऑप्शनल है, डालना है डाल दें, ख़राब नहीं होगा, मज़े का ही होगा। 2-3 टेबलस्पून हमने दही डाल दी, बस उसके बाद में आप इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। देखें भून भी गया है, अब मैं इसमें ज़रा सा पानी डाल रही हूँ, 1/4 कप जितना हमने पानी डाला। इसको कवर करके मैं छोड़ रही हूँ, जैसे ही हम ब्रेक से आएंगे ये बिल्कुल रेडी होगा। इसमें हम ऊपर से हरा धनिया, ये रखा हुआ है, हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे और आपको पेश कर देंगे।